स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज मैं तो खड़ा हूँ शनि जी के मंदिर के पीछे में हूँ, और आप भी दर्शन कर लीजिए। शनि तो आप सबके संकट और कष्ट को काटे और आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ। आज का जो ब्लॉग है वो ये है कि आज जब माया पूजा करने के बाद मैं जब पीछे आया तो मैंने क्या देखा, मैं आपको बताता हूँ कि एक डॉग, जी हाँ एक कुत्ता, जो मंदिर के कैंपस में घुस गया, लेकिन वो निकलने का बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है और परेशान है। तो चलिए उसकी मदद करते हैं, क्योंकि बाबा ने शिरडी में, आपने देखा हो जब भी आप शिरडी जाते हैं तो बाबा को मतलब आसपास हमेशा शिरडी में बाबा के कुत्ते रहते थे, बाबा उनसे बहुत प्यार करते थे और सदैव मतलब एक पालतू जीव भी है। तो हमने सोचा क्यों ना इनकी भी आज मदद किया जाए। तो चलो आपको दिखाता हूँ वो लोकेशन जहाँ पर फंसा हुआ ये डॉगी। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं ये जो है गेट के पीछे, ये मंदिर का तीसरा गेट है और यहाँ पर ये डॉगी फंसा हुआ है। अरे बहुत कोशिश कर रहा है बाहर निकलने का, लेकिन दिमाग नहीं लगा रहा कि कूद के भी जा सकता है, लेकिन अंदर कैंपस में घुस गया है ये। देखते हैं ये कैसे निकलता है, लेकिन आगे कोशिश देखते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा मंदिर का कैंपस है, ये शनि जी हैं, अरे लेडी बाग उद्यान है, बच्चों का झूला है, ये आप पूरा देख सकते हैं। प्राकृतिक नज़ारों से परिपूर्ण है साईं का ये दरबार। और यहाँ पर फंसा हुआ है एक भक्त जो बाबा का है और इसे बाहर जाना है, अरे बहुत कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसकी मदद करते हैं। चलिए इसको बाहर निकालते हैं गेट के रास्ते से। तो ये देखो वहाँ पर जा रहा था, फंस रहा था, तो अब इसे हम बाहर निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। और ये देखिए जा रहा है, हमें भी इसे पीछे पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि इसे बाहर निकालना है, क्योंकि गेट के अंदर फंसा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये आगे या पीछे चावड़ी मंदिर तक जा रहा है, और वहाँ से ये सीधे वो पहुँच गया अब्दुल मजार में ये, और यहाँ पर सीधा गेट है, अगर गेट खुला है ये यहाँ से निकल जाएगा। चलिए तो हमने इसे निकाल दिया बाहर और ये सीधे सीधे चले जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि वो सीधे निकल गया गेट के बाहर, और वहाँ भी गेट बंद है, फिर ये परेशान हो गया। चलिए गेट खोल के इसे निकाल देते हैं। ये बाबा का दरबार है, द्वारका माई है, समाधि मंदिर है, और वो गेट खोल के निकल गया। चलिए तो बाबा की कृपा से वो बाहर निकल चुका है, और आखिर पूरे बाबा के मंदिर में घूमने के बाद ही वो बाहर गया। जो भी हो, सब बाबा के भक्त बाबा के दर्शन करने आते रहते हैं, लेकिन वो राह भटक गया था, मतलब वो पीछे गेट में चला गया था, और पीछे गेट ऊंचा है और वहाँ भुलकने की जगह नहीं है, तो उसने कोशिश नहीं की दीवार से उचक के जाने की, लेकिन हमने उसे गेट के बाहर निकाल दिया है और वो अब सेफ है और जा चुका है। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। क्या ये जो काम हमने किया ये अच्छा किया या बुरा किया, जो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम मिलेंगे इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।